Bueno,
Thank you.
गाड़ी की पहचान क्या है कि वो अपने आयुष्य नुकसान की पैदा नहीं बढ़ा होगा। और अल्लाह फरमाता है कि हम उनको पूरी गुमराही से छोड़ देंगे, हम उसे हिदायत नहीं करेंगे, क्योंकि जानते घूमते हुए उसने इस को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात अच्छी को हिसाब बना दिया। वो दूर ज्यादा है उन्होंने किया था आपसे कि हमारी पहली गुस्तू इस्लामी की तरफ थी, तो उसमें गिलाव भी है, अब बीएसपी है, रवि बीएसपी है, और फिर चौथे नंबर पर इस्लाम है। ये वो लक्ष्य है जहां से गुजर कर आपको इस्लाम लेना है, और जो है वहां से जब आप गुजर आएंगे तब आपको इस्लाम मिलेगा। यानी इलाहियत का मनसब पहला मनसब, इस मनसब पर या उसको इला मानो जिसकी मार्फत पैगंबर करवा रहा है, जिसकी पहचान पैगंबर करवा रहे हैं, या उसको इला मानो, या उसको इला बना लो जिसे तुम चाहते हो। दुनिया आज क्या कर रही है, कौन है जो अपना महाजवा करने के बजाय के बदल में उसके एहसान की पाबंदी कर रहा हूं। तो देखें अगर हम खालस खास की पाबंदी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर हम उसको इलाह बना रहे हैं, तो मालिक की इबादत की तरह जरूरी है कि वो ये कह रहा है कि तुम्हें इलाह उसे मानना है जिसकी वार्ता वसूल करवा, जिसकी वार्ता वसूल करवाना। अच्छा जब इस मंदिर से गुजर जाएगा और अल्लाह की वार्ता हो जाएगी तो दूसरी मंदिर है कि आप उसका हक बन जाए, अब उसका हक बन जाए, अब उसका बंदा बन जाए। यानी बंदा जी नाम ही उसका है कि वो ऐसी गुजारी करे कि सरों उसके हुक्म से सरकारी नजर बने, जैसे जैसे उसने हुक्म किया है वैसे वैसे हम करता चला जाए। यानी दूसरी बात जो मासूम करवाते हैं आप कहते उसको हैं जो शरीयत की कायद में अपने आप को पाबंद कर देता है, अपने आप को पाबंद कर लेता है, यानी उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती, जो हुक्म इलाही होता है उससे मुकाबले कहा जब इस मंदिर पर आ जाएगा तो आपको बन जाएगा। अब जब आपको बन गया तो आप तीसरी मंदिर है तो उसे अपने हक को पहचान, देखिए इलाज की पहचान और है, रब की पहचान और है। अच्छा घर जो है वो तुम्हारी इलाज भी करता है, तुम्हारी परवरिश भी करता है, और तुम्हें दोनों किस्म की रिस्क से नवाजता है। यानी तुम्हारे उद्देश्य की नजर हवा के लिए जो जरूरी है वो भी तुम्हें तुम तक पहुंचाता है, और जो तुम्हारी भूख का उसके उसका भी इंतजार करता है। मेरा की जिम्मेदारी और फिर चौथी मंजिल पर अब उस बात में जाए तो इस मंजिल पर जुड़ जाए तो अब सलामती में जाते हो, अपनी सलामती तकलीफ है, जहां किसी किस्म का संभाजार नहीं होना चाहिए, जहां किसी को एक दूसरे का हाथ नहीं मारना चाहिए। पैगंबर ने ऐसी शख्सियात पहले तैयार की, रसूल ने पहले ऐसी शख्सियतों को तैयार किया जो इस्लामी माशरे का कोई कदम उठा सके, जिसकी वजह से पैगंबर ने भी मेहनत की। पैगंबर ने जो भी मेहनत की है उस बोझ को उठाने के लिए वो अपराध तैयार किए, और जब वो अपराध तैयार हो गए माशरा तस्वीर पा गया, तो जब तक पैगंबर लेता रहे उसको अमल होता रहा, उसको अमल होता रहा। लेकिन जैसे ही रसूल की आज्ञा दूं फिर वही बात कि जो तुम्हारी से नफ्स की इब्तिदा कर रहे थे, जो दीन इस्लाम में इसलिए दाखिल हुए थे कि जो हम चाहते हैं वो तुम हो, जो हम चाहते हैं वो तुम हो, और जो वो चाहता है वो तुम्हारा।
समझा है, मैंने आशा किया था कि तौहीद के साथ उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उम्मत के सामने तौहीद पेश की जो होगा तो साहब बहुत बड़ा है, जो देखा जा सकता है उसका जलवा देखा जा सकता है और वो जो अपना जलवा देगा और फिर यहां तक के नाम होगा तो उसको जानना नहीं जाना चाहिए। ये तो तौहीद का काम किया महुआ की मंदिर पर ये हुक्म दे दिया गया खबरदार को रसोई का भगवान मालिक थे और माने विशाला को तहरीर का किया जाए, जो तहरीर करेगा वो मालिक का ही होगा, उसको सलाह दी जाएगी। लिहाजा विशाले के चीन लोगों में दबाव जब करें आप उसकी सलाह दिया जिससे वहां आग लगे नहीं है, आग लगाई ही नहीं है। वहां पर उनका यह किया जा रहा है कि पहले ही और शब्द ही मेरा बल्ला जाना पहले भी अल्लाह की तरफ से है और शर्म भी अल्लाह की तरफ से है। और फिर भाई जब शर्म भी उसकी तरफ से है, खैर भी उसकी तरफ से है तो फिर ये जगह और सजाना में बहुत क्या है, जगह और सजाने का सबूत क्या है, जगह और सजा की जरूरत क्या है। एक घंटा तो कह सकता है कि मारे श्रेणी फांसी थी तो मारे शराब थी, तेरी मर्जी थी तो उन्होंने क्या किया, तेरी मर्जी थी तो उन्होंने पूरा किया, मैं क्या करता, मैं तो मजबूर था क्योंकि खैर भी मेरी तरफ से था, शर भी मेरी तरफ से। आज के साथ ये किया गया और चौथी मंजिल और ये मंजिल ऐसी है कि सारा इख्तलाफ किसी पर और यह है कि माहौल वहां नहीं है, वहां वापस क्या है राजा के लिए तीन से चार तरीके हैं जिसके जरिए से उम्मत के सरबराह को मुंतकिल किया जा सकता है। तीन से चार तरीके अगर आपके अहम इसके लिए तैयार हो मैं उसका भी जिसे इस मंसब के लिए पेश किया जाए उसके लिए पांच अपराध की पांच अपराध की रूपी कमेटी बना दी जाए और उनमें से अगर चार मुंतबित हो जाए उसके लिए दूसरे मुंतबित कर दें और तमाम उम्र की जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। पहला तरीका तो यह है, दूसरा तरीका यह है इजमाए उम्मत को जिसे मुताबित कर लिया जाए उसको सा बड़ा बात है और तीसरा तरीका ये कि हमने विश्वास ये हो सकता है कि अगर किसी एक ने भी बड़ा कर ली एक ने भी बड़ा कर ली वो हावी हो जाएगा और वो हावी जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है अगर उसने ठोस जो हजूम है वो जालिम भी है तो आपको इजाजत नहीं है कि उसके सामने चूक रहा कर सके। यानी ये माफक किए जा रहे हैं उम्मत के वैभव को मुंतकिल करने के, अगर ऐसे माफक दिए जाएंगे तो होगा क्या एक लेन और बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है यानी देखिए वैसा जवानी को कौन नहीं जानता, ये वो सामर्थ्य रसूल है कि जिसके कान में रसूल ने कुछ अशराफ से नाम बताए इसी हुदैफा से हदीस वादा की गई। ये बताइए हदीस अगर कहें तो सुनाओ पैगंबर ने फरमाया हुज़ैफा नकल कर रहे रावी है जनाब अबूबकर वो नकल कर रहे तो पैगंबर ने फरमाया कि देखो अगर तुम पर
जो आतिफ बना दिया जाए वो साहिब भी हो तो तुम्हें हक नहीं है कि तुम उसकी मुखालफत करो। बड़ा गौर से लोगों को सुनने का जो बदई हदीस है बजाती होगी, यानी रसूल पर भी झूठ मानने से अगर ऐसे हालात से दो चार हो जाऊं तो क्या करूं? तुम पर फर्ज कि अगर वो तुम पर सुन ले तुम्हें छड़ी से मारे तुम्हारा मार छीन ले तुम तब भी उसकी जगह दो। जब ऐसी चीजें रसूल से मंसूर करके उम्मत के हवाले की जाएंगी तो वो उम्मत जाएगा, उसकी हालत क्या होगी? और इसी के मुकाबले में हमारे यहां जो तरीका है उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। वो शख्स उपज की रहबरी कर सकता है, इस मौसम पर वो शख्स आ सकता है जिसमें ये दो चीजें मौजूद हो। पहली चीज इस वक्त और दूसरी चीज उसका मासूम होना। अगर मासूम नहीं है तो उपज की रहबरी नहीं कर सकता, और अगर उसमें इस वक्त नहीं है उम्मत की रहबरी नहीं कर सकता। दो चीजें जरूरी है, लिहाजा ये तय हो गया कि वहां क्या तरीका है और यहां क्या तरीका है। यही मुझे अर्ज करना है कि जब भी देखे इस दीन इस्लाम की शक्ल को बंद करने की कोशिश, इस दीन इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, इसमें अपनी ख्वाहिशा के नक्शी को दाखिल करने की कोशिश की, अब कहने पर मजबूर हो गए तो इसमें मैं कहता हूं साड़ी जो है वो मजबूर है बेचारा, क्या करे जब वो मुसलसल सुबह को पढ़ रहा है, देखता आ रहा है, अजवाज रसूल का तस्करा हो रहा है, तस्करा होते होते एक मरतबा वहां पर एक आयत नजर आई कि पार इन नमाजी जुम्मे में भगवान के बहुत सारे मिल गए, उनको हर वक्त किया। पीछे के लोग मुसलसल मुकाबला करके आ रहा है अजवाज रसूल के सिलसिले में कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और जहां एक आए जाए सहारत के सिलसिले में तो उनको कहेगा ना कि भाई मैं क्या करूं, आए के ऊपर मुझे देखिए कौन सी राज्य रखती है। तो ये तो उस रखने वाले का सवाल है कि उसने उठाकर अपनी बदनीयति से उठा के उसको यहां रख दिया, अपनी बदनीयति के तहत में और फिर रख दिया। तो हमको फैसला नहीं हो सकता कि किसके बारे में, लेकिन कल मैंने अर्ज कर दिया था, मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि मयार क्या होना चाहिए, मयार क्या होना चाहिए, मयार बदला क्या हो सकते हैं कि हमने तो उनसे जिसको ऐसे दूर रखना है जैसे धूम रखने का हक है, उन पर हम मरवा रहा इबादत के लिए जरूरी है। अब यहां दो तीन चीजें हैं जो रफल ओपन के लिए इस्तेलाह बयान की जाती है, वो अखबार अमीर मौलवी खलीफतुर रसूल या मुसलमानों का अमल, ये दो तीन शब्द है जो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी भी हम आपको मना थोड़ी करते आप करते, लेकिन देखिए कि अल्लाह की नजर में जब से अनिफा कहां इस्तेमाल हुआ, जब से अनिफा कुदरत हुई कहां इस्तेमाल हुआ। पहली आय अगर आपको रहने की हो तो मैंने अर्ज किया था कि जनाब आदम के सिलसिले में जो अल्लाह इस्तेमाल की गए वो ये तो वही आला रब होता ये मलाए कभी इन जाए
अगर ये जाहिर समझ में आ जाता तो कभी किसी को नमजद ना कर सकते। अगर ये जाहिर समझ में आ जाता तो फिर किसी को नमजद कर सकते। अल्लाह कहना ये तेरा खिलाफ है, रसूल भी इसको जाहिर नहीं कर सकता, किसी को रसूल भी करके ला सकते, ना किसी को ना किसी को नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जवाब उनसा क्यों नहीं हो सकते, तो पता चलेगा मेरे भाई आदमी से कितने से कोई कभी करके मेरे जमाने के नाम कितने लोग करके उसकी खून उसकी जात से मेरे खून से कभी करके उसे जो हसीन जुड़ा है। अरे उनसा भाई है बना लो, भाई है बना लो, वही ही तो बनाना है। कहा मुझे यह सेवा का खुदा ने दिया है, ये तो उनका इख्तियार है कि हम नबी पर चाहते हैं हमारा जा रशीद वो सफर कर सकता है। तीन पर हम कर रहा उसका इख्तियार मैं कहा जाऊं सामने तुम्हें वह हमें कर दिया तो तुम्हारे घर जाने को तुम्हारा वजीर बना दिया और तुम्हारे दोस्त को हत्या कर दिया और जाओ दुआ कर रहा वाकत आपको सुनो मुझे उसे निराश करना है कि एक मयार रखवाया आपको रखते ये जाहिर का किया हमारे पास हम मुकद करेंगे हम काबिज करेंगे सब बच्चों के लिए एक सुनत जाहिर है आते आपके सामने इस वक्त उस वक्त पैरम्बर के सामने आपके मन निकाल देता कि आपको जाहिर ने हमारा जिंदा रहना विश्वास कर दिया अब किसी को तुम हमारे लिए बादशाह बना दे किसी को बादशाह बना तो दो चीजें लेकर आए एक बर्तन आया जिसमें रोहा खड़ा होगा और एक आशा ये दोनों चीजें जाकर जनाबे शहरू नदी के हवाले कर दी गई कहा देखो इस दोनों चीजों को लोगों के सामने ले जाओ जिसके सामने इस रोहर में जोश आने लगे और ये आशा उसने थक के बढ़ा रहा है रास्ता बना दे किसी के सामने उसने जोश नहीं था ना सब मैं हरकत करता हूं एक शख्स था जो बड़ा गरीब था जब उसके सामने लाया गया तो फिर उसने जोश भी पैदा हो गया और ऐसा भी उसके करके बराबर हो गया ये गांव है ये जनाबे तालीम है और सभी ने फैसला कर दिया कि ये जो हमारा बादशाह ये कैसे बादशाह हो सकता है ना इसके पास मान है ना इसके पास दौलत है ना इसके पास शहरत है ना इसका नाम है ना इसके पास शोहरत है मयार देखिए क्या है आपने गौर नहीं किया मैं क्या आज उम्मत का मयार क्या है कि बादशाह कैसा होना चाहिए तो उम्मत का मयार है तो वो चाहती है कि बादशाह के आगे शहरत हो उसके पास मान दौलत हो उनकी शोहरत हो लोग उनसे जानते हो ऐसे को अच्छा बनाया जाए हमारे पास जो बयान है वो उसके बेसूल मुद्रा है वो बयान ये है कि इसके पास ये जो हितों को लड़ाई भी होनी चाहिए और उसके पास सुधार भी होनी चाहिए सुझाव सुझाव हो तो सारे हो बस ये मयार है बना दिए गए बस जब ऐसा बना दिए गए सदन से कहना मैं इस पर याद नहीं आपकी जिंदगी हो गया सर मैंने मुझे कौन लेकिन एक इम्तिहान भी नहीं हुआ जो इम्तिहान आप सुन लिया उस इम्तिहान में बहुत बचे कितने 300 ले जा सकता
인천이라 아니면 인천이라 하는데요. 일부러 보면요. 교통사에서 나온다는 소리입니다. 아무도 세금도 많이 많아지고 그래서 사람들을 떠내지 않아. 그래서 사람들을 떠다 어디 교통이라 하나. 너무 가고 안 해. 너무 가고 안 해. 이 사람은 यही उसका सुहाग और जो सुहाग अगर रखता है तो फिर उसे उम्मत का रहर बना दिया जाए। अब बहुत सी मजबूत है जो हम जानते हैं पैगंबर ने आप इंसान लोगों से आशनाए नहीं करवाया सरकार ने तो मंदिर को पहचान करवाते हुए पहचानूंगी मेरे बाद उम्मत को मेरा खलीफा मेरे बाद मेरे उम्मत मेरा वसी है लेकिन उम्मत ने नहीं पहचान कभी पैसा आपको पहले आप जाएंगे पैगंबर नसीब ले गए तो उम्मत ने पैसा कर लिया हमको लेकर आ रहे करते रहो लेकिन ना रहो क्योंकि खुदा का बनाया हुआ नुमाइंदा होता है उसे कभी संस्कार की जरूरत पेश नहीं आती उसे कभी हकूमत की जरूरत पेश नहीं आती उसे हकूमत मिले या ना मिले वो अपने मनसब पर भेजी जाए तो उसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करेगा अब जिम्मेदारी को लगाई जा रहा है क्यों खलीफा तो अल्लाह है अल्लाह का खलीफा है तो जो अल्लाह का खलीफा है वो उससे काम करेगा खलीफा की जिम्मेदारी क्या होगी मैंने कहा किया था कि आदम से पहले कोई नहीं था कि अगर इस मानव में कहा जाए तो आदम उसके जानशीन है तो जब से खलीफा जानशीन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता जब से खलीफा इस्तेमाल होता है तो उसका खलीफा बनाया जा रहा है उसके हुजूर को समझ क्या हो उसके कामों को तकमील तक पहुंचा है तो आदम से खलीफा पूछा अल्लाह के खलीफा अल्लाह के तो काम आदम के रूप में लगाए गए थे वो आदम से भूल गए थे जनाब कानून के खलीफा बोलना अल्लाह के खलीफा जो भी कुछ जिम्मेदारी उनकी ओर लगाई गई थी वो उन्होंने भूल ली थी इसी तरीके से जनाब हारून की रहमत अल्लाह के खलीफा मूसा के खलीफा नहीं थे मूसा के वसी थे मूसा के वसी थे अल्लाह के खलीफा थे तो आप अजाबों के इलाहिया को यह बताती है कि जो अमीर इलाही है उनके सरकार से तो उसी तरह से जिम्मेदारी आई की गई है तो वह क्या तुमने अपने खलीफा को जिम्मेदारी क्या आय की है ये तवज्जो की बात है ना कि ये देखा जाए तो उसकी जिम्मेदारी क्या है कहा जो भी उन्होंने पैदा किया है कायनात में उसकी जो भी एहतियात है उसको उनमें मुकदमा करने की बाकी जिम्मेदारी है पूरा करता खलीफा उल्लाह की जिम्मेदारी है अब अगर आदि किसी को रिश्ता सुन रहे तो ताजुब भी हो रहा है ताजुब भी हो रहा है क्योंकि हो नहीं चाहिए क्योंकि अमीर का इलाही है जिसे अमीर जवाब दे रहे हैं खलीफा उल्लाह हो रहा है अल्लाह का खलीफा देखिए रसूल का वसी हो रहा है अली जो है रसूल के खलीफा अली रसूल के खलीफा नहीं है अल्लाह के खलीफा रसूल के वसी है रसूल के जानशीन है जानशीन होना और है खलीफा उल्टा होना और है अब जब जिम्मेदारी लगाई होगी तो उसने तो जो उसके अंदर है उसे अंदर करते आपको ताजुब में आने की जरूरत है लेकिन पूरी तारीख इस्लाम और तमाम वो वापस जो इस्लाम के बड़े बड़े मुहाद्दिसीनों
जो शरीर में तहरीर दिए हैं उसमें हमें कहीं भी नजर नहीं आता कि किसी ने अलीम की तरफ हम दृष्टि रवानी की है। दुश्मन के मुंह से हाथ निकल रहा इस वक्त जनाब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल ने जहां भेजा था तो दो से पैसा आप रवाना किए गए। पहली जो फौज रवाना की गई उसका सहारा आने के करीब था और दूसरा दस्ता जो रवाना किया गया उस जो कमांडर थे वो सरकार वाली थे और ये तय हो गया था कि अगर दोनों दस्ते एक हो जाए तो फिर अली भी कमांडर हो जाए अली के हाथ में होगी कि तय हो जाए। और जनाब अली जब उस लश्कर से मुनाफ होंगे तो बात तो खत्म हो गई, उसकी कमांड भी खत्म हो गई, अली कमांडर है और अली के मन में बातें हो गए। अब जब बातें हो गए तो एक शख्स के नाम कालकी वली ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उसको भेजा कि जाकर मेरी तरफ से रसूल की खिदमत में पेश कर दे। कैसे रसूल ने कहा हमारे के जुमले में रसूल के चेहरे का रंग मुतवर हो गए, चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए और आज उसके बाद आप फरमाते हैं कि सुन अब्दुल अल्लाह कि जो तहरीर लेकर आया है कि तुझे किसने लिखकर दी है, क्या मुझे पानी में भेजा है आपके पास, क्या सुनता मैं आपका पिता, मेरे माँ बाप आपका पिता, अगर मैं मुझसे तफसील हो रही हो तो मैं बाजार चाहता हूँ, कहा जानता है उसने क्या लिखा है, जानता है उसने क्या लिखा है, क्या मैं नहीं जानता यार सुनना, जैसे तहरीर वक्त की वैसे ही आपके सफर पर पेश कर दी, क्या इसने मुझसे अली की शिकायत की है, इसने मुझसे अली की शिकायत की है, शायद ये नहीं जानता अली वो है जिसके लिए अपना हुआ हाथ वर्ष करवाया आगे बढ़े क्या यार सुनता आप अपना हाथ बढ़ाइए मैं तहजीब के बैठ करता हूं, मैं तहजीब के बैठ करता हूं क्योंकि मेरे दिल में कुछ पैदा हो गया था कि जब उसने मुझे भेजा था तो मैं तहजीब के बैठ करता हूं भाई ये तहजीब के बैठ भी नहीं करता है इसे होना था भी करता था इसे होना तो भी नहीं करता है वही तहजीब जो बाजार नहीं है काले बहुत से नाम अगर काम के द्वारा शुरू करो तो लेकिन ये समझे कि इशारे में कहता जा रहा हूं कि एक पनीर भाई है उन्हें अभी बात पर शक करने वाले आपके अभी पर शक करने वाले अभी वो है जिन्होंने पहली मंजिल पर रसूल से वादा किया या रसूल का मैं आपकी मदद करूं। हमारा शिकवा तो मुसलमानों से यही है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल ने कहा वो लोग मान रहे हैं। पहली मंजिल पर रसूल ने अल्लाह की जरूरत पेश की उसको लेकर तस्वीर कर दिया, दूसरी मंजिल पर अली ने जो कुछ कहा उसको भी लोगों ने मान लिया, लेकिन जो अपनी फैसला था रसूल का उसको भी लेकर तस्वीर कर दिया रसूल ने कहा अल्लाह को मानो या हरी अल्लाह, हरी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा और रसूल होगा और रसूल के कह रहे थे कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वासी होगा मेरा जानसी होगा मेरे बाद मेरी उम्र में कभी ना हो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है मेरी मानी आप खुद फैसला करेंगे किसको ये फैसला आप खुद करें किसको अच्छा बना लीजिए। लेकिन ये बात याद है
जिसको आप बनाएंगे उसमें एक अंश जिस मकसद पर वो आ रहा है उसका होना जरूरी है और ये अंश है पहले उसमें एम का होना जरूरी है। अगर एम नहीं होगा तो ये मकसद कायम नहीं हो सकता। बनाइए किसके अनुभव पर बनाइए और बना चाहिए बनाए आप और ऐसे ऐसे बनाए तो जो लोग कहते नजर आए क्या क्या चेहरा अनुभव में कुछ ज्यादा थे बेखबर है कि अपने चलिए ठीक है बनाइए। अब जब बना ही दिया था वो मकसद को कैसे करेंगे तो अगर कोई आ गया और आकर उसने कह दिया आप आए अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूं जवाब दू सवाल करो का सवाल ये है तो क्या चीज है तो बोला नहीं जानता अब ऐसे सवाल जो है बताओ मुझे भगवान ऐसे ही होते हैं उसमें और सवाल अब जब पहले ही सवाल का जवाब आ रहा है मजीद सवाल करते हैं क्या जवाब कर जवाब की बात की पहले सवाल का जवाब इधर में मोबाइल का नाम दिया है क्या कुछ पता क्या कहता है कि वो क्या चीज है तो बुला देंगे और वो क्या चीज है बुला नहीं जाते कौन सी परेशान हाँ एक चीज है उसे बुला नहीं जाते और वो बदलिया है जो अभी जो नशारा ने उसके लिए कार्य कर रहा था जो नजरिया जो लोगों को बचाना जो जनाब इंसान के लिए कहते हैं कि ये गोला है और जनाब पक्षी के लिए कहा जाता है कि ये गोला है ये बोला नहीं आता अच्छा वो क्या चीज है जो बोला के लिए नहीं है आपके बाद की जो चीज नहीं है वो जो है जो है बोला साबित नहीं है बोला साबित नहीं है आदि है तो चाहा आगला है ही नहीं आज जमी वाला
یہ اپنے وقت کے ساتھ میں کرتا ہوں. ان دونوں میں مت کرتے کچھ چیزیں مرتب کر کے بھی ہم کو یہ دین ہے اس پر عمل کرے اور اس میں بہت سی مزہ پیش کیجیے جو اپنے انسانی کے نظر آئے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے ایک بات یہ ہے کہ جب دین نہیں سمجھو گے اس گھرانے سے جس گھرانے میں دین آیا ہے تو ایسے ہی فیصلے کرو قرآن حکم دے رہا ہے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہو ایسا ہو سکتا ہو اس کا اللہ کے طرف سے اس کا مطلب یہ ہو سکتا اللہ آیا تھا میں کوئی کرنے والا نہیں آیا کیونکہ وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تو ان سے مشورہ کرتے ہیں جسے اس نے مادر علم قرار دیا مادر علم قرار دیا ان سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کو مشورہ نہیں کرے گا جی نہیں ہوتے کسی مندر پر اگر موقع دیا بڑی اکثر موجود ہے تو اس میں کیسے کیسے اپنے انگلوں کی زندہ بندوں کی باتوں پر عمل کر کے کائنات کے سامنے قانون بنا سکے وہ کس طرح دکھا دوں اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو یہ عالمین کے عالمین کے رب کی ہم کیوں پڑ جاتے جتنے پر تو بہت لائن بند کر کے دیکھ رہے تھے کوئی معلوم نہیں پڑا ارے کتنا میں پڑھ کے وشواس کر رہا ہوں اسلام کو تو اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے اپنے دین میں اسلام کی خدمت کی ہے اس پر تم اعتراض کرو اور یہ اعتراض حال نہیں ہے یہ سرکار امیر کے زمانے میں بھی اعتراض ہوتا اور لوگ علی کو چڑھانے کے لیے جھوٹا دیتے تھے یا علی ابھی کا فتوا ہے علی تیرا بات جہنم میں جائے ابھی کا پھرتا یا علی ابھی کا پھرتا سوچتے رہے کسی کو جواب نہیں دیا نہیں یہاں تک کہ تاریخ کرتی چھ سات اپرادھ میں ابھی کے سامنے آ کے یہی جھوٹا بولا ہے یا علی ابھی کا پھرتا پہلے تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے پہلے تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے کسی کو جواب نہیں دیا ایک ایسا بھی آیا جو بڑے ہس کو ہس ہوا تھا اس سے جب آگے یہ روکا تھا یار یہ ابھی کا پھر اور اس کو آپ نے روکا پھر ایک بات کا جواب کیمت کیا تھا بھلے آدمی ابھی کا ہوتا اور آپ کے بعد جاننا ہوگا اور مجھے جانتا ہے کہاں جانتا ہوں کہ آنا کافی وہ جنگا کروانا ہے جب بدلا ہے
اگر قیامت تک انسانوں سے ابھی تعلق کرے کہ جملہ زبانوں پر میں لوگ آتا ہوں تو بڑا یہ تو ہزار ہزار کا بغاؤ ہے, یہ تو اسی سے بزرگوں کی منزلت ہے تو اس کے مقام و سفر کرے اور کمائے ہو کیا مشین بن کر جا رہے ہیں ان کا کیا مقام ہو رہا ہے ہر کام میں اسلام کی شکل ہو گیا لیکن جو اس دور سے رہے آئے ہیں جو ہمارے سارے دین جناب امام محمد واقع علیہ السلام کے ساتھ اور بات مکمل ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں یہ بات کو مکمل کیا ہے تاکہ امام واقع علیہ السلام اور سرکار امام واقع علیہ السلام کے ساتھ وہ جہاں سے حاصل کرنے کے لیے آنے لگے ایک دو سال ہو چار ہزار سال ہو میرے چار ہزار سال ہو اور چالیس مضامین کا اعلان خود رہا ہے چالیس مضامین پڑھا رہے ہیں چار ہزار طالب علم تھے چالیس مضامین تھے جن کا ایک تھا پڑھانے والا ایک تھا ایک کتنا علم موجود تھا کہ یہ کوشش تو چالیس مضامین تھے ارے چار ہزار علم تھے تو سب کو ایسا کام کر کے نکالتے کہ ہر پڑھ کے نکلنے والا مسلم کا ایمان کہلاتا یہ تو اسلام کے ادھر جو رہی ہے یہ ہے وہ بات آئی آج تک ایک حدیث کا اندر کی سمجھ نہیں آئی ہم لوگ چودہ سو برس گزر چکے ہیں پیغمبر کہتے رہے تھے کہ جیسے پرم سے آئی میں اللہ نے بارہ نانی بھیجے ہیں ایسے ہی میری عمر میں بھی بارہ خلیفہ ہوں گے بارہ جانشین ہوں گے وہ پریشان ہوں گے کیسے تعداد بارہ دن ہوئی ہے اب جب تعداد سب کو شامل کر دیتے ہیں اس میں بہت ہی نیچے آپ کا کبھی تیرہ ہو جاتے ہیں چودہ ہو جاتے ہیں بارہ کام کرنا ہوتے ہیں اور جو سب کے سب جس کو بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں رسول نے کیا کہا تھا کہ جو بارہ خلیفہ ہوں گے یہ قریش میں سے ہوں گے یہاں تک تو سمجھیں قریش میں سے ہوں گے آپ یہ حقیقت آگے کی کیوں کھا گئے پیغمبر نے آگے بھی فرمایا کہا قریش میں سے چاہے بنی ہاشم سے ان کا قتل ہو یہ تو میں نے کہا نا اپنے مطلب کی زندگی کو لے لی نکال لیا یہ اصل بات کی ہو چکا ہے اگر یہ پتا چل جائے گی تو لوگ صحیح مسئلے کی طرف چلے جائیں گے پھر ہمارا پیچھے کون آئے گا پھر ہمارا پیچھے کون آئے گا وہ بھی آئے گا سب لوگ چلے جائیں گے تو آپ کا راستہ ہے زمین کا راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے سب ان کو ہم نکل جائیں گے ہم کیا کریں گے ایمان بند بھی پڑ جائے گی دکان کر بھی بڑھ جائے دکان کو چمکانا بھی ضروری ہے لہٰذا دھوم دھوم کے نام ایسی ہے دھوم دھوم کے لائی جا رہی اور جب لائی آ رہی ہے تو اس پہ ایک کارخانہ بنایا اور اس کارخانے سے ہو ہو کر کے نکلنے لگی ابھی سے نکل رہی ہے پیش کی جا رہی ہے یہ بھی رسم ہوتا یہ بھی میں نے کارج کیا تھا اکیاون برس کا بعد اگر
ہند کو ایک نمبر فرمانے میں نہیں گیا تو آج فرمانی کیا کہ موت سے اس کر دیتا. اب بات یہ ہے باطن کا انداز یہ ہوا کرتا ہے, باطن کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے چوروں کو اتراہی کر باطن دنیا کے ساتھ پیش کرتا ہے. اگر اب تو چولا اتار دیتا اور باطن بن کے جائے گا تو وہ بگا دے. لہٰذا اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے اور وہاں پڑھی
اسلام کے ساتھ رسول کے اہل بیت ہے. ہر یہ جو انسان آیت کی بات کر رہے ہیں وہ اعتراض کرتا ہے, اس کے بعد میرا چوتھا امام فرماتا ہے جانتا ہے ایسے ہم کون ہیں, ہم وہی اہل بیت کے رسول ہیں, ہم وہی اہل بیت کے رسول ہیں. All right.
हमारे यहाँ के राज्यवास भाई ने प्रवेश